हेलो गाइस, मैं समीक्षा अग्रवाल। वेलकम शेयर टू कोड ट्रिक्स, अ चैनल मेड फॉर यू, मेड बाय यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस सीएफटी प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम टुडे वी हैव टू सॉल्व इज फिक्सिंग टू स्वैप नोट्स ऑफ अ बीएसटीएम। सो लेट्स गेट इनटू दिस प्रॉब्लम। तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ होगा, जिसके अंदर कोई से भी दो नोट स्वैप्ड होंगे, जिसकी वजह से ये जो ट्री है वो अपने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अपने को सिंपली उन दोनों नोट्स को वापस से स्वैप कर देना है, ताकि अपना ये जो ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री बन जाए और अपने को इसी बाइनरी सर्च ट्री को रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें, तो इस एग्जांपल में अपने को रूट दे रखी है 10, और अपने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि रूट के लेफ्ट में जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो रूट से छोटी होनी चाहिए, और रूट के राइट में जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो रूट से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बार अपन इसी प्रॉपर्टी से देख लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से अगर अपन चलें, सबसे पहले अगर अपन लेफ्ट में देखें तो अपनी रूट है 10, 10 के लेफ्ट में आया 5, जो कि 10 से छोटा होता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब अपना रूट बन चुका है 5, 5 के लेफ्ट में आया 2, जो कि 5 से छोटा होता है, मतलब ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और 5 के राइट में है 20, जो कि 5 से बड़ा होना चाहिए, जो कि 25 से बड़ा है, तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करता। लेकिन 20 कहाँ आ रहा है? 20 आ रहा है 10 के लेफ्ट सब ट्री में, और लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो 10 से, मतलब अपनी रूट से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 20 जो है वो अपनी रूट से बड़ा आ रहा है, इसलिए ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अपने को एक नोट तो 20 मिल चुकी है, जो कि अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही, और इसको अपने को स्वैप करना है। ठीक है, अब अपने को दूसरे नोट ढूंढनी है। तो अपन 10 के राइट में जाएंगे, 10 के राइट में जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो 10 से बड़ी होनी चाहिए, बट ये जो 8 है वो 10 से छोटा है, इसलिए ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो अपनी दूसरी जो नोट जो अपनी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है वो 8 है। तो अपन क्या करेंगे, 20 को 8 से स्वैप कर देंगे और 8 को 20 से स्वैप कर देंगे। एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या ये वाला जो ट्री है वो अपना बाइनरी सर्च ट्री बन चुका है। तो 10 आया, 10 के लेफ्ट में आया 5, जो कि 10 से छोटा होता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब 5 के लेफ्ट में आया 2, जो कि 5 से छोटा होता है, मतलब ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और 5 के राइट में आया 8, जो कि 5 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, मतलब ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली 10 के राइट में आया 20, जो कि 10 से बड़ा है, मतलब ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला जो ट्री है वो अपना बाइनरी सर्च ट्री बन चुका है, इसी को अपन रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल से देखें, तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को रूट दे रखे 11। अब 11 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसके अंदर सारी वैल्यूज 11 से छोटी होनी चाहिए, और 11 का जो राइट सब ट्री होगा उसके अंदर सारी वैल्यूज 11 से बड़ी होनी चाहिए। ये अपना सिंपल सा फंडा है। अब अपना जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखो कैसे, 11 के लेफ्ट में क्या है अपने पास, 11 के लेफ्ट में है अपने पास 3, जो कि 11 से छोटा होता है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में है 4, जो कि 3 से तो बड़ा है लेकिन वो 11 से छोटा है, मतलब ये जो लेफ्ट सब ट्री है उसके अंदर जो सारी वैल्यूज है वो 11 से छोटी है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर अपन राइट में देखें, तो 11 के राइट में अपने को मिला 17, जो कि 11 से बड़ा होता है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब 17 के लेफ्ट में अपने को क्या मिला, 10, जो कि 17 से तो छोटा है, मतलब ये इधर तो सही है लेकिन 10 कहाँ पे आ रहा है, 10 आ रहा है अपने रूट के राइट में। ठीक है, तो रूट के राइट में जितनी भी सारी वैल्यूज होंगे वो अपने रूट से बड़ी होनी चाहिए, बट अपना जो 10 है वो 11 से छोटा है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो अपने को एक नोट जो जिसको अपने को स्वैप करना है वो तो 10 मिल चुके हैं। अब दूसरे कोई भी नोट नहीं है जो अपनी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी ना कर रही हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको अपनी रूट से स्वैप कर देंगे। तो रूट क्या थी अपनी, 11, तो 11 की जगह अपन लिख देंगे 10, और 10 की जगह अपन लिख देंगे 11। ठीक है, अब एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या ये अपने बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो 10 है, 10 के लेफ्ट में मिला अपने को 3, जो कि 10 से छोटा है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और 3 के राइट में अपने को मिला 4, जो कि 3 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब 10 के राइट में मिला अपने को 17, जो कि 10 से बड़ा है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और 17 के लेफ्ट में मिला अपने को 11, जो कि 17 से तो छोटा है और वो 10 से बड़ा है, तो मतलब ये भी अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों को स्वैप करने से अपने अपना बाइनरी सर्च ट्री मिल चुका है, तो अपन इसी को ही रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी क्वेश्चन है। एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन जानते हैं कि अगर अपन अपने बाइनरी सर्च ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल लें, तो इनऑर्डर ट्रैवर्सल क्या करता है, अपने बाइनरी सर्च ट्री की जो भी सारी वैल्यूज है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि अपना इनऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले वो लेफ्ट में जाता है, फिर वो राइट में, फिर वो रूट को प्रिंट करता है, और फिर वो राइट में जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या आती है, लेफ्ट में सबसे छोटी वैल्यू आती है, रूट की जो वैल्यू होती है वो मिडिल वाली वैल्यू होती है, और राइट के अंदर रूट से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो रहा है। तो
एक बार अपन पूरे ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल के देख लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी दो नोड्स है जिनकी वजह से अपना जो इनऑर्डर ट्रैवर्सल है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो पा रहा है, और अपन उन्हीं दोनों नोड्स को स्वैप कर देंगे। तो एक बार इस ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को लेफ्ट में जाना है, तो 10 है, 10 के लेफ्ट में मिला अपने को 5, और 5 के लेफ्ट में मिला अपने को 2। अब 2 का कोई भी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अपन ये जो 2 है मतलब अपनी जो रूट है उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर अपन 2 से रिटर्न करेंगे, 2 से रिटर्न करेंगे तो अपने को 5 मिलेगा, 5 अपना रूट है इस वाले ट्री का, अपना जो मतलब ये वाला जो सब ट्री है इसका रूट अपना 5 है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने लेफ्ट को प्रिंट कर दिया, अब अपन क्या करेंगे, अपन रूट को प्रिंट करेंगे। तो रूट अपनी 5 है, उसके बाद अपन 5 के राइट में हो जाएंगे और रूट को प्रिंट कर देंगे, मतलब 5 के राइट को प्रिंट कर देंगे। तो राइट में गए अपने को तो क्या मिला, 20, तो अपन ने 20 को प्रिंट कर दिया। फिर से अपन रिटर्न हो रहे हैं, फिर से इस 5 को भी अपन ने प्रिंट कर दिया, तो इधर से भी अपन रिटर्न होंगे। अब अपन वापस रूट पे आ चुके हैं, अपने एक्चुअल बाइनरी सर्च ट्री के रूट पे आ चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, रूट को प्रिंट कर देंगे और फिर रूट से अपन राइट पे चलेंगे। तो राइट में मिला अपने को 8, तो अपन 8 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये अपना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अपन देख लेते हैं कि कौन सी दो नोड्स है जिसकी वजह से ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो इधर मतलब स्टार्टिंग से इट्रेट करना चालू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी एक नोड है जिसकी अगली वाली जो नोड है वो उससे छोटी है। अभी अपने पास 2 है और 2 के जो अगली नोड है वो 5 है, मतलब 2 छोटा 5 बड़ा है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब अपने पास 5 और 20 आया, 5 छोटा है 20 से, मतलब ये भी अपने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब अपने पास 20 और 10 आया, 20 पहले आ रहा है और 10 बाद में आ रहा है, तो ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर से बड़ी वैल्यू अपन ले लेंगे 20, मतलब इसको अपने को स्वैप करना है। सिमिलरली अपन लास्ट से चलेंगे और देखेंगे कि अपनी कौन सी ये वाली जो नोट है वो छोटी है और इसके प्रीवियस वाली नोट इससे बड़ी है, ठीक है। तो अपने को 8 मिला और 8 के प्रीवियस में मतलब 8 के पहले अपने को 10 मिल रहा है। अब 10 अपना बड़ा है और 8 अपना छोटा है, तो 8 अपना पहले आना चाहिए, 10 अपना बाद में आएगा, ठीक है। तो जो दूसरी नोट अपने को स्वैप करनी है वो है 8, क्योंकि 8 अपना बाद में आ रहा है और 8 अपना छोटा है, तो वो 8 जो है वो पहले आना चाहिए, क्योंकि अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसलिए जो दूसरी नोट है वो अपने को 8 मिल चुकी है। अब अपन 20 और 8 को स्वैप कर देंगे अपने बाइनरी सर्च ट्री में ढूंढ के। तो सबसे पहले अपन ने 20 को ढूंढा, 20 अपने को यहाँ पे मिला, तो 20 मतलब इसके डेटा में अपन 8 डाल देंगे। सिमिलरली इधर अपने को 8 मिल रहा है, तो इसके डेटा में अपन 20 डाल देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अपनी सिंपल सी अप्रोच है। इसके अंदर अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाला, फिर अपन स्टार्टिंग से चले और अपन ने देखा कि कौन सी नोड एक बड़ी आ रही है और उसके अगले वाली नोड उससे छोटी है, तो जो बड़ी वाली नोड होगी अपन उसको ले लेंगे कि अपने को इसको स्वैप करना है। सिमिलरली अपन लास्ट से चलेंगे और अपन देखेंगे कि कौन सी एक ऐसी नोड आ रही है जो छोटी आ रही है उसके पहले वाली नोड उससे बड़ी है, तो जो छोटी वाली नोड होगी अपने को उसी को स्वैप करना होगा। तो अपन को दो नोड्स मिल चुकी है, फिर अपन बाइनरी सर्च ट्री में उन दोनों नोड्स को ढूंढ के उन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। एक बार इस वाले एग्जांपल से भी अगर अपन देखें तो अपने को इसके अंदर जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलेगा वो ये होगा। एक बार इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकले थे जल्दी से, तो इसका जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा वो होगा, सबसे पहले अपने को 3 मिलेगा, मतलब 11 है, 11 से अपन उसके लेफ्ट पे जाएंगे तो लेफ्ट में आया 3। अब 3 का कोई भी लेफ्ट नहीं है, तो अपन रूट को मतलब 3 को प्रिंट कर देंगे। फिर अपन रूट से रूट के राइट पे जाएंगे, तो रूट के राइट में अपने को मिला 4, 4 को अपन ने प्रिंट कर लिया, लेफ्ट सब के अपना खत्म हो चुका है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन रूट को प्रिंट कर देंगे, तो रूट है अपनी 11, अपन ने उसको प्रिंट कर दिया। फिर अपन राइट में जाएंगे, राइट में मिला अपने को 17, 17 के लेफ्ट में मिल रहा है अपने को 10, तो सबसे पहले अपन 10 को प्रिंट करेंगे। ये वाला जो अपना सब ट्री है इसके अंदर भी अपन सबसे पहले लेफ्ट को प्रिंट करेंगे, फिर अपन रूट को प्रिंट कर देंगे, तो 10, 10 के बाद अपने को मिला 17, ठीक है। ये अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये जो है इधर से स्टार्ट होते हुए अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आ रहा है। अब अपन इसके अंदर सबसे पहले तो स्टार्टिंग से इट्रेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी एक ऐसी नोट है जो अपनी पिछले वाली नोट से बड़ी आ रही है, मतलब अपने अगले वाली नोट से बड़ी आ रही है। तो 3 और 4 में 3 छोटा है 4 बड़ा है, मतलब ये अपने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। 4 और 11 में भी 4 छोटा और 11 बड़ा है, मतलब ये अपने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और 11 और 10 में ऐसा आ रहा है कि 11 पहले बड़ा है और 10 अपना छोटा है, तो अपन बोल देंगे कि अपने को 11 को स्वैप करना है। तो अपन एक बार 11 लिख लेते हैं। सिमिलरली अपन इधर से चलेंगे और इधर से अपन देखेंगे कि कौन सी नोट ये वाली जो है वो छोटी आ रही है, उसके पिछले वाली नोट अपनी बड़ी आ रही है। तो 17 और 10 में 17 बड़ा है 10 से, मतलब ये अपने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पहले छोटी वाली आ रही है फिर ये बड़ी वाली आ रही है। फिर अपन 10 और 11 में देखेंगे, 10 अपना छोटा है 11 से, ठीक है। तो 10 जो है वो पहले आना चाहिए, 11 बाद में आना चाहिए, तो अपन बोल देंगे कि इस छोटी वाली वैल्यू को अपने को स्वैप करना है, तो अपने को 10 को स्वैप करना है। तो अपने को 10 और 11 को स्वैप करना है, अपन इन दोनों को स्वैप कर देंगे और अपना बाइनरी सर्च ट्री जो है वो पूरा हो जाएगा, अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसका कोड देख लेता है। तो इसके कोड में मैं सबसे पहले तो
क्या किया मैं, सबसे पहले तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल किया रूट के लिए कि अपना पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बता दो। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, ये वेक्टर आंसर में स्टोर होगा। मतलब मैंने सबसे पहले तो वेक्टर बना लिया, एक आंसर, मतलब एक आंसर बना लिया वेक्टर टाइप का। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को स्टोर करेंगे। और मेरे पास टू वेरिएबल है ए और बी। ए और बी मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालने के बाद वो दोनों वैल्यूज स्टोर करूंगी जिनको अपने को स्वैप करना है, जो अपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो ए के अंदर फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी और बी के अंदर सेकंड वैल्यू स्टोर होगी। अपन को इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल किया। इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो बोला कि अगर अपने रूट ही नल है तो रिटर्न कर दो, और अगर अपनी रूट नल नहीं है तो सबसे पहले उसके लेफ्ट में चलो। जब अपन लेफ्ट मोस्ट में चले जाएंगे तो अपने आंसर में लेफ्ट को पुश बैक कर दो, मतलब अपने रूट के डेटा को पुश बैक कर दो। ठीक है, और फिर अगर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन रूट के राइट में जाएंगे और फिर ऐसे करते करते अपने आंसर में जो है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोर हो जाएगा और अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अपना आंसर में अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आ चुका है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन इस मतलब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ट्रेड करेंगे और अपन देखेंगे कि कौन सी अपनी वैल्यू ऐसी है। मतलब सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अपन लेफ्ट से स्टार्ट करें, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और अपन देख रहे हैं कि कौन सी अपनी वैल्यू ऐसी है जो पहले वाली वैल्यू बड़ी है और उसके बाद वाली वैल्यू छोटी है। तो अपन ने क्या बोला कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, मतलब आंसर की ith वैल्यू कौन सी ऐसी है जो कि बड़ी है i+1th वैल्यू से। तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने ए में आ जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू अपनी जो स्वैप करनी है वो है, और अपन ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली फिर अपन लास्ट से स्टार्ट करेंगे और अपन देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू आ रही है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू आ रही है कि ये वाली वैल्यू छोटी है, मतलब बाद वाली वैल्यू छोटी है और उसके प्रीवियस वाली वैल्यू उससे बड़ी है। तो अपन उसको भी नोट कर लेंगे। अपन ने बोला कि कौन सी ये जो ith वैल्यू है वो उसके i-1th वैल्यू से छोटी आ रही है, तो अपन उसको अपने सेकेंड, मतलब सेकेंड वैल्यू में ले लेंगे कि दूसरी वैल्यू जो अपने को स्वैप करनी है वो बी है, और अपन ब्रेक कर देंगे। फिर अपन इन दोनों वैल्यूज को ए और बी को स्वैप कर देंगे। ए और बी अपन ने इसलिए पास नहीं किया क्योंकि अपन ने उसको ग्लोबल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर कर रखा है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने बोला कि अगर अपनी रूट नल है तो फिर से रिटर्न कर दो, और अगर अपनी रूट नल नहीं है, अपने रूट का जो डेटा है वो ए के बराबर आ रहा है, तो अपने रूट के डेटा को बी के बराबर कर दो। सिमिलरली अगर अपना रूट का डेटा जो है वो बी के बराबर आ रहा है तो अपने रूट के डेटा को ए के बराबर कर दो। नहीं तो अगर, मतलब ना तो अपना रूट का डेटा ए आ रहा है या फिर ना तो अपना रूट का डेटा बी आ रहा है, तो सबसे पहले लेफ्ट के लिए कॉल करो, मतलब लेफ्ट में जा जाके ढूंढो कि ए और बी में से कुछ आ रहा है क्या। फिर अपने रूट में के राइट में जा जाके ढूंढो कि अपने ए और बी के कोई भी डेटा बराबर आ रहा है क्या। अगर बराबर आ रहा है तो उसको स्वैप कर दो, मतलब ए आ रहा है तो उसको बी के बराबर कर दो और बी आ रहा है तो उसको ए के बराबर कर दो। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।